बातें हो रही मौत। जबलपुर के नजदीक बसे नानकड़ा गांव की गलियां में एक अजीब सी खामोशी नजर आती है। यहां के लोग इसे मौत का सन्नाटा बताते हैं। इस गांव में एक के बाद एक मौतें हुई हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कभी यह लोग भी जीते जागते इंसान थे, आज सिर्फ तस्वीरों में सिमट कर रह गए हैं। अपने परिजनों की यादों में यह मासूम बच्चा जो अपने पिता की तस्वीर दिखा रहा है, इस गांव की सच्चाई को बयां कर रहा है। जिन परिवारों के मुखिया नहीं रहे, उन परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट मुंह फैलाए खड़ा है, और जिन्होंने अपने को खो दिया, उनकी अपनी दास्तान है। ये जो मौतें हुई हैं, ये सब तांत्रिक विद्या की कहानी लगती है, क्योंकि यहाँ 22 से 25 30 युवा लड़का, जिसका कोई लड़का पिताजी सब खत्म हो रहे, ऐसे होते हुए हमने ग्राम बस्ती एकत्रित होके एक बैठक ली। बैठक में कुछ समझ में आया तो फिर हम लोगों ने एक जो बाहरी रहता था ग्राम नानाखेड़ा में, उसके यहाँ जाके उससे पूछताछ की। उसके बाद वहाँ गए तो उसके घर के अंदर देखे तो जो तांत्रिक विद्या वगैरह जो बहुत चीज़ें मिली, टोटका वगैरह, दिया या जले, निब्बू वगैरह भी जी हमको वहाँ मिले। फिर उसके बाद में उसको बुलाने की कोशिश की तो वो बुलाने में अभी नहीं आ रहा था। फिर एक बार, दो बार, तीन बार उसके पास गए तो वो भाग रहा था। भागते भागते रात में भी वहाँ गए तो वहाँ से भी रात में भी जाते थे उसको लेने, तो रात में भी वो बॉन्डी को ऊँध के भाग जाता था। फिर उसको, फिर हमने सूचना के अनुसार से उसको पकड़ी। उसको 8 बजे करीब पकड़ने के बाद में उसको बुला रहे थे, वो बुलाने में भी नहीं आ रहा था। फिर उसको अभी वो हमने एकत्रित होकर उसको गांव से भगा दिया है। शासन से कोई मदद मिली अभी तक? अभी शासन से कोई मदद नहीं है, ना कोई अधिकारी यहाँ आके कोई इस बारे में कभी पूछे। मेरे वो दिन भर तो पूरी काम करते रहे, नाइट में अचानक उनको 12-1 बजे करीब उनको पेट में दर्द हुआ और पसीने पसीने हो गए, हॉस्पिटल ले गए, फिर भी नहीं बचा पाए उनको। कितनी उम्र थी उनके? 30 साल 30-31 साल। क्या करते थे? मजदूरी करते थे। तो क्या लगता है आपको, भी ऐसा लगता है कि तंत्र मंत्र के कारण हुआ? अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, पर फिर भी यदि सब लोग कह दें तो लगता है कि चलो हाँ है ऐसा कुछ। इनकी जब उनको कभी कुछ हुआ ही नहीं, सर्दी जुकाम तक उनको कभी नहीं हुई, बेजी खोटे यार के हैं, वो काम करते रहे अच्छे खासे, इतने मिस्त्री हैं पाइप के, वो इतनी मेहनत वाला काम करते थे। जरा सा खेत में काम करने की वजह से क्या उनको ऐसा अटैक आ सकता है? मेरे को नहीं लगता कि ऐसे अटैक हो सकता है उनको। अगर ऐसी स्थिति है तो मैं उसकी जांच कराऊंगा, अगर अवैध मदरा वाली चीज़ है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, अन्य कोई स्वास्थ्य संबंधी कारण है तो स्वास्थ्य की टीम को भी भेजेंगे, और जो भी फिर उसमें ऐसी स्थिति निकल के आएगी उस अनुसार कार्रवाई संबंधितों पर की जाएगी।